सभी वीएलई भाइयों एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओमकार त्यागी, मैं सीएससी राज्य कार्यालय लखनऊ से आप लोगों के बीच में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन कृषि दर्शन प्रोग्राम में फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होता हूं। और साथ ही साथ हम अपने वीएलई भाइयों को या जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको खेती बाड़ी के बारे में, कृषि फसलों के बारे में, समय पर बोई जाने वाली कौन सी फसलें हैं या किस फसल में कौन सी बीमारी आती है, इस तरह की जानकारी हम समय समय पर देते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि इस समय तिलहनी फसलों की बुआई के संबंध में क्या क्या जानकारी आवश्यक होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, तिलहनी फसलों की बुआई काफी वीएलई भाई या किसान भाई इस समय कर रहे हैं और इस समय बुआई करने का बहुत अच्छा समय है। टेम्परेचर भी, तापक्रम भी उसके लिए उपयुक्त है और किसी फसल के लिए उसकी बुआई का तापक्रम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। तो समय पर फसल की बुआई करनी चाहिए ताकि उसका जो बीजों का जमाव है उस तापक्रम पर उस तरह से हो जाए। कभी कुछ लोग वीएलई भाई, किसान भाई देर दराज में बुआई करते हैं तो फसल की पैदावार पे उसका प्रभाव हानिकारक होता है। तो सबसे पहले मेरा ये भी सभी किसान भाई वीएलई भाव से ये है कि आप इस समय तिलहनी फसल के, अगर आप खेत खाली हैं आपके, तिलहनी फसलों की बुआई करना चाहते हैं तो तुरंत कर दीजिए। जैसे पीली सरसों है, लाही है, काली सरसों है, ये तरह तरह की प्रजातियां होती हैं इन फसलों की, आप बुआई कर दें। काफी वीएलई भाई कर भी रहे हैं, बहुत से खेत खाली हो गए हैं, खाली खेतों की जुताई करने के बाद उसमें लाही या सरसों की बुआई कर दें। लाही की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जैसे लाही की जो बुआई है वो 15 सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आप उसकी जो 70 दिन की प्रजातियां होती हैं उसकी कटाई करने के बाद उसमें गेहूं या आलू या मेंथा जो पिपरमेंट होता है उसकी रोपाई कर सकते हैं, करनी चाहिए, किसान करते भी हैं इस तरह से। तो आपका खेत का जो खाली खेत खाली नहीं रहेगा और आपकी पैदावार तो उस खेत में हो जाएगी। तो इस समय सरसों की बुआई के लिए लाही की बुआई पहले कर दें। लाही का जो बीज दर है एक एकड़ में लगभग 1 किलो 600 ग्राम बीज पड़ता है एक एकड़ बुआई के लिए। पीली सरसों का भी इतना ही पड़ता है। तो ये दोनों फसलें इसकी बुआई तुरंत बुआई कर दें। साथ ही साथ कुछ अभी काली सरसों की के बारे में भी काफी वीएलईज भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि साहब काली सरसों की बुआई समय करते हैं। हाँ, उसकी कर सकते हैं। उसके लिए उसका बीज की दर है 2 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 किलो उसका संकर बीज, अगर आपका बीज संकर है, हाइब्रिड है, तो उसका बीज दर होता है 1 किलो प्रति एकड़। तो इस तरह से आप इसमें, मैंने बताया कि जो काली सरसों है उसका बीज दर होता है 2 किलोग्राम प्रति एकड़, और अगर संकर प्रजाति है तो उसका उसका बीज दर है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर लाही या पीली सरसों है उसकी जो बीज दर है 1 किलो 600 ग्राम प्रति एकड़ है। तो इस तरह से बुआई आप तुरंत कर दें। ये प्रजातियां जो जल्दी है 70-75 दिन में पकते हैं। सरसों तो पूरी अपनी 130-135 दिन में होती है, लेकिन लाही पीली सरसों जल्दी हो जाती है। इसके बाद आप अन्य फसलें जैसे गेहूं भी लोग बोते रहते हैं दिसंबर जनवरी, कुछ बोते रहते हैं। इसके अलावा आप ये अपना मेंथा है, पिपरमेंट है, उसकी रोपाई बुआई कर सकते हैं। तो ये था इसमें। अब सवाल ये आता है कि बुआई तो करें, बुआई करते समय कौन से हम रासायनिक खाद डालें, कौन से हम कंपोस्ट खाद डालें जिससे हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो सके। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत सी वीएलई भाई पूछते रहते हैं मेरे से कि साहब सरसों के अच्छे उत्पादन के लिए कौन कौन से खाद हम डालें जिससे हमारी पैदावार हो सके। तो मैं सभी वीएलई भाइयों एवं दर्शकों को, जो किसान भाई या वीएलई भाई, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी तिलहनी फसल है जिनसे हमें तेल निकाला जाता है, जैसे लाही है, सरसों है, और आपका ये आपका पीली सरसों है, जितनी भी तेल निकालने वाली फसल है, तिल है, तिल तो इस समय खैर काफी बड़ा हो गया है, तो सभी में सल्फर युक्त खाद डालना चाहिए बुआई करते समय, क्योंकि सल्फर की जो तेल का प्रतिशत होता है, अगर आपकी जमीन में सल्फर है तो ऑयल परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा, तभी अच्छा होगा अगर सल्फर उसमें डाला जाएगा। तो मार्केट में बहुत सारे सल्फर युक्त खाद आते हैं, जैसे 20-20-0-13 एक खाद आता है, उसमें इफको का भी आता है, अन्य कंपनियों का, पीपीएल का भी है, बहुत सारी कंपनियों का है। वो आप 60 से 70 किलो के आसपास उसको एक एकड़ खेत में डालेंगे तो उसका उससे आपका जमाव अच्छा होगा और तेल का प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ एक बहुत पुराना खाद आता है जिसको हम कहते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद, SSP बोलते हैं। ये दो तरीके का आता है, एक दानेदार होता है, एक पाउडर फॉर्म में होता है। तो मैं अपने वीएलई भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि सरसों की तिलहनी फसलों की बुआई करते समय सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का प्रयोग करें और इससे उत्पादन अच्छा होगा। अब बात आती है कि इसका हम कितना डालें एक एकड़ में। एक एकड़ में कम से कम 3 बैग जो 50 किलो के बैग होते हैं प्रति एकड़ आप डालेंगे
तो जो सरसों उससे आपका उत्पादन अच्छा होगा, खेत की फर्टिलिटी अच्छी होगी और फसलों का जमाव बहुत अच्छा होगा, तेल का जो प्रतिशत होता है वो अच्छा होगा। तो ये हमें सल्फर युक्त खाद हमें डालना चाहिए। अब सल्फर युक्त खाद हमारे दो तीन तरह के आते हैं मार्केट में, मैंने आपको बताया कि सिंगल सुपर फास्फेट आता है, एक आता है अपना ये अपना 20-20-0-13 आता है। बहुत से भाई डीएपी डालते हैं या 12-32-16 डालते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, सल्फर युक्त खाद डालें। सिंगल सुपर फास्फेट कई नाम से मार्केट में मिलता है, जैसे खेतान केमिकल्स का मिलता है, रामबाण का मिलता है, खेतान फर्टिलाइजर का मिलता है, या आईपीएल का मिलता है, अन्य नामों से मार्केट में आता है, और तो वहां से आप खरीद सकते हैं। उसको खेत में डालें 3 बोरा, यानी कि 50 किलो के 3 बैग प्रति एकड़ डालें, तो इससे आपकी सल्फर आपके खेत में एक बैग के अंदर 13% होता है, तो 6.5 किलो सल्फर एक बैग में आपका चला जाएगा। अगर सल्फर युक्त खाद नहीं है तो सल्फर आप अलग से डाल सकते हैं, 6-7 किलो प्रति एकड़ सल्फर डाल सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में एक जिप्सम खाद आता है, आपने सुना होगा, कभी कृषि रक्षा इकाई पर जाते हैं आपने सुना होगा जिप्सम डालते हैं। जिप्सम के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, वो भी अब खेत में डालेंगे तो सल्फर का एक स्रोत हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, आपकी जमीन में सल्फर चला जाएगा। तो ये इस समय बहुत से किसान भाई झांसी मंडल में मूंगफली लगाते हैं, तिल की, तिल तो खैर काफी बड़ा होगा, कुछ लोग तिल की बुआई भी कर रहे हैं मूंगफली में, तो ये सब सल्फर युक्त खाद ही डालने चाहिए, इसकी आपकी जमीन हल्की होती है और जितनी भी तेल वाली फसलें हैं जिससे तेल निकाला जाता है उसमें ऑयल कंटेंट बढ़ता है। तो अच्छे किसान हैं जो लगातार खेती करते हैं सरसों की या मूंगफली करते हैं, उनको पता है कि सल्फर युक्त खाद ही डालते हैं। अब मार्केट में बहुत सी वैली भाई कहते हैं साहब मिलता नहीं, मिल जाता है, ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कृषि की दुकानें होती हैं, कृषि बीज भंडार होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहां पर इसकी उपलब्धता रहती है, आप जाएंगे तो मिल जाएगा। कई वीएलडी भाई मेरे से बात कराते रहते हैं, आप दुकान पर जाओ तो वहां से मेरे से बात करा सकते हैं, मेरा नंबर काफी लोगों के पास है, तो अगर आपको कोई डाउट हो, आप अपनी बात कहना कहना पा रहे हो दुकानदार को, तो आप बता सकते हैं कि साहब मुझे सिंगल सुपर फास्फेट खाद लेना है और आपके पास है तो जिस कौन सी कंपनी का आप मुझे बता दे, तो उनसे बात करके आप वहां से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये ले, इसके साथ ही साथ बीज भी कहीं से जो अच्छे ऑथेंटिक सोर्स हैं, जैसे एनएससी है या अच्छी कंपनीज है, बायर है, सिंजेंटा है या माइको है, अच्छी कंपनीज मार्केट में है, उनका बीज लें, या एक स्टार एग्री सीड्स भी आती है, उसका भी बीज अच्छा है। कुछ लोग ओपी वैरायटी बोते हैं, ओपी वैरायटी का मतलब होता है ओपन पोलिट्री, जो परागण वाली वैरायटी होती है उनसे उत्पादन अच्छा होता है, वो भी आप बो सकते हैं। हाँ, आप हर साल नया बीज एक एकड़ में बोएं ताकि अगले साल आपका नया बीज हो जाता है। तो एनएससी, मैंने बताया कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के कुछ आउटलेट्स हैं, यूपी एग्रो के आउटलेट हैं, अच्छी दुकानें भी हैं प्राइवेट में जहां से आपको बीज मिल जाता है, लेकिन बीज लेते समय रसीद का ध्यान रखें, रसीद जरूर लें, रिसिप्ट, ताकि आप ये कह सकें यार बीज में अगर कोई कम ब्रांड है तो आप उसको दुकानदार को बोल सकें कि आपसे मैंने लिया था, इसका जमाव अच्छा नहीं हुआ, पैदावार कम है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि रेट चाहे थोड़ा ऊपर हो, लेकिन बीज अच्छे स्रोत से लें, अच्छे सोर्स से लें, अच्छी दुकानों से लें, अच्छी कंपनी का बीज लें। बीज एक बहुत मेन फैक्टर होता है, कारक होता है। अगर आप बीज ही आपने हल्का ले लिया, कहीं से वैसा ले लिया, आपका जमाव अच्छा नहीं होगा, आपकी पैदावार अच्छी नहीं होगी, आप उसमें खर्चा भी करेंगे। तो बीज एक ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक जगह से लेना चाहिए आपको। उसके लिए आप जो नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी सलाह ले सकते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं आपके आसपास उनकी सलाह ले सकते हैं। अभी फैजाबाद में एक मेला लगने वाला है, फैजाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहां जाएं, उसके कैंपस में बहुत सारी दुकानें लगेंगी, कंपनी आएंगी, वहां जाकर तरह तरह से पता करें उनके। हाँ, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे कानपुर है, फैजाबाद है और आपका झांसी में है, तो वहां जाकर के आप उनके कैंपस में, उनके यहाँ कृषि वैज्ञानिक होते हैं, सीड के बारे में उनका एक आउटलेट होता है, वहां से आप ले सकते हैं। तो रिसर्च सीड ले सकते हैं, एक हाइब्रिड होता है, एक रिसर्च होता है। हाइब्रिड का जो बीज दर होता है वो कम होता है, वो होता है 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और उसका होता है 2 किलोग्राम। बीज की बुआई करते समय ध्यान रखना ये है कि बीज हम प्रॉपर उचित पूरा ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, यानी कि एक जगह डाल दिया तो बहुत सारे पौधे निकल जाएंगे, पौधे का विकास नहीं हो पाता, तो उसको प्रॉपर हम पूरे खेत में इस तरह से हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, बिखराव करेंगे, तो यानी कि दूरी मेंटेन रहे, दूरियां थोड़ी सी बढ़ी रहे। अगर पौधे घने हो जाते हैं तो पौधे में उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, फ्लावरिंग नहीं होती, सनलाइट प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। सल्फर युक्त अगर खाद नहीं मिलता है हमें, तो हम उसमें डीएपी डाल सकते हैं, डीएपी का डोज रखेंगे 50 किलोग्राम प्रति एकड़, उसके साथ में सल्फर मिला सकते हैं 5 किलोग्राम। इसके अलावा किसी खेती में जिंक की कमी होती है,
जिंक की, तो जिंक मार्केट में आता है, हमारा भी आता है इफको का, हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है, जिंक सल्फेट, मोनो जिंक सल्फेट है, आप उसको मंगा लें, उसमें सल्फर होता है 13%, 5 किलोग्राम वो डाल दें आप खेत में। ध्यान रखें कि जिंक को कभी भी डीएपी में मिलाकर नहीं डालना चाहिए, अलग से डालना चाहिए, पोटास में मिला लें, मिट्टी में मिला लें, यूरिया में मिला लें, तो उसको डालने प्रति एकड़, तो उसमें आपका जिंक की डिफिशेंसी कवर हो जाएगी और सल्फर भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पोर्टल पे आप मंगा सकते हैं। सागरी का एक बहुत अच्छा उत्पाद है, उसको बुआई करते समय डाल सकते हैं आप, आलू में डाल सकते हैं, अभी आलू की तैयारी कर रहे होंगे कुछ किसान भाई जो कन्नौज में, आगरा में, फरुखाबाद में, पोटैटो की जो बेल्ट है जहाँ पर जबरदस्त आलू लगता है, तो वहां पर भी इस तरह का अपना उसमें सागरी का मंगा ले। सागरी का हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है, और कुछ जिन भी अली भाइयों के पास में लाइसेंस है तो वो ले सकते हैं, उन्हें रेट बहुत अच्छा पड़ रहा है और काफी अच्छा मार्जिन है, 25-30% मार्जिन है उसमें, 40% तक भी है, आप ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास लाइसेंस हो। अगर आपके पास लाइसेंस है, जीएसटी है और कुछ भी है, चाहे प्राइवेट के, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू भेज सकते हैं, मैं आपका पार्टी बोर्ड बनवा दूंगा, आप डायरेक्ट ऑर्डर एक कोई बाजार से कर सकते हैं। तो सागरी का एक ऐसा प्रोडक्ट है, सभी फसलों में इसको डाल सकते हैं बुआई करते समय, इससे जो हम रासायनिक खाद डालते हैं उसकी खपत को बहुत अच्छा करता है, पैदावार में वृद्धि करता है, और जितना भी हम डीएपी डालते हैं डीएपी पूरा प्लांट ले नहीं पाता है, तो इसकी उपस्थिति में पौधा ले लेता है। तो सागरी का मंगाएं, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका डोज है। आलू, जो आलू उत्पादित क्षेत्र हैं जैसे कन्नौज, फरुखाबाद, मैंने बताया, तो वहां पर इस तरह के प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं। तो डीएलए से मैं इस तरह की एडवाइस करना चाहूंगा कि वो इसको मंगा लें, रख लें और उसको बेचें, आपका मार्जिन बहुत अच्छा है उसमें, बहुत अच्छा मार्जिन है। और फिर आपकी ग्राहकी बनेगी, किसान आएंगे आपके पास, अगर आप रखोगे नहीं तो कौन आएगा आपके पास, कोई भी नहीं आने का। तो आप इसको मंगा सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, इफको ई बाजार से, आपके पास सीएससी आईडी है, डिजिटल सेवा पोर्टल है, उस पर जाइए, सीएससी आईडी डालिए, यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, उसको लॉगिन करिए, एग्रीकल्चर में जाए, एग्रीकल्चर में जाकर इफको ई बाजार का एक बॉक्स बना हुआ नीचे, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं आप। उसमें सागरी का ले सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर ले सकते हैं आप, जिंक सल्फेट ले सकते हैं आप, फेरस सल्फेट ले सकते हैं आप, मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं आप, और भी अन्य प्रोडक्ट हैं, वहां से आप ऑर्डर करके आप ले सकते हैं और अपना व्यवसाय कर सकते हैं और अपने ग्राहक के किसानों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। खरपतवार नाशी के बारे में, अभी सरसों की बुआई करेंगे, खरपतवार के बचाव के लिए अगर आप बहुत तकनीकी फार्मर हैं तो उसके लिए पेंडामेथिलीन एक दवाई आती है, उसका स्प्रे करें, लेकिन बुआई के तुरंत बाद करें, जैसे बुआई कर दी, पाटा लगा दिया, उसके बाद ही 200 लीटर पानी मोल करके उसका बुआई करेंगे, तो उससे आपको खरपतवार का जमाव रुक जाएगा। तो ये इस तरह का था, इस समय तिलहनी फसलों की बुआई आप तुरंत कर दें अगर खेत खाली हो, और सल्फर युक्त खाद डालें, सिंगल सुपरफास्फेट ने बताया, सिंगल सुपरफास्फेट ने बताया, 20-20-0 एक खाद आता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं उसके, 20-20-0-13 इफको का भी आता है, या पीपीएल का आता है, नर्मदा का आता है, अन्य बहुत सारी कंपनियों का आता है, तो आप ले सकते हैं उसको, ले उसी को डालें, इससे आपकी जमीन की ताकत बनेगी और ऑयल कंटेंट आपका सरसों में तेल का प्रतिशत बढ़ेगा। बाद में भी बहुत सारी मौसम के विपरीत अनुप्रभाव के बहुत सारी बीमारियां आती हैं, कीट लगते हैं बीमारियां, तो उसका भी ध्यान रखना आपको, लेकिन शुरू में तो हम अच्छी तैयारी करके चलें, तभी तो पैदावार अच्छी होगी। तो आज का हमारा यही था विषय, तो आप जो है आप मंगाए, ऑर्डर लगाए, और जिनके पास लाइसेंस है, चाहे वो दवाई का है, कीटनाशक दवाई का है, या बीज का है, या खाद का है, मुझे शेयर कर दें, मेरे व्हाट्सएप पे कर दें, या मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू कर दें, अपना डिटेल विस्तार विवरण लिखें, ताकि मैं आपका कोड खुलवा सकूं, आप घर बैठे ऑर्डर लगा सकते हैं। बहुत सी बीएलई भाइयों का लाइसेंस है लेकिन उनको पता नहीं, आप घर पे ऑर्डर, आपके घर पे ऑर्डर मंगा सकते हैं। तो आज का मेरा ये था, मेरा नंबर है आपके पास पता होगा, 9005609062, आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं और कोई अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, आपका पूरा शुभ आपका दिन, थैंक यू।